हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करूँगा आप सब बढ़िया होंगे, क्योंकि सब के दोस्तों आप लोगों ने समझे में देख के किस तरह से स्टूडियो पर करने वाले हैं, सभी तरह उसके बाद सभी क्या करने वाले हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हाथों जो आपसे विनती है कि दोस्तों की वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलते हैं नए नए वीडियो लेकर आने का दोस्तों। और इसमें जो भी मटेरियल दोस्तों यूज होगा उसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। अगर आपको मटेरियल यूज करने में कोई भी दिक्कत आती हो, कोई भी प्रॉब्लम आती हो व्हाट्सएप स्टेटस बनाने में, तो दोस्तों हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसका समाधान हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आएंगे दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फाइन मास्टर पर आने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना और करेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो आपने डाउनलोड किया होगा दोस्तों डाउनलोड ऑप्शन का है, और यहाँ पे इस तरह की तिरंगा वाली इमेज ले लेनी है। और यहाँ पे इसकी लेंथ को 25 सेकंड आपको कर लेना, जितना आपको स्टेटस बनाना है दोस्तों उतनी आपको कर लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको लेयर में जाना है, फिर मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद फिर से डाउनलोड ऑप्शन में जाना है और अपना एक PNG वाला फ़ोटो सेलेक्ट करना है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपके पास से ये PNG वाला फोटो नहीं है, अगर नहीं बनाना आता दोस्तों, एक मैंने वीडियो बना रखा है उसकी लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से वो जाके देख लेना। एकदम सिंपल प्रोसेस दोस्तों, एक मिनट आप उस PNG मतलब बैकग्राउंड वो रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। हम दोस्तों इसको रोटेट करेंगे दोस्तों, या फिर रोटेट मिरर पर क्लिक करना, और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरह से हो गया दोस्तों, और यहाँ से इसको नीचे वाली लेंथ को यहाँ से खींच के इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, एकदम आपको अपनी सुविधा के साथ थोड़ा सा इसको छटा करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको छोड़ देंगे और इस पर क्लिक करके इसको भी जिस 25 सेकंड का कर लेंगे दोस्तों। पहले फिर से आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे फिर से डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है, एक तिरंगा का PNG है उसको भी सिलेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ से इसको तिरंगे को खींच के बड़ा करना है, जितना आपको अच्छा लगे दोस्तों अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग दोस्तों फोटो के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे इसको छोड़ देना और यहाँ से इसकी भी लेंथ को खींच के 25 सेकंड कर लेना दोस्तों। ज़्यादा दोस्तों एकदम सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल वाला कोई काम नहीं है। फिर से आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से एक इस तरह का वीडियो मिलेगा दोस्तों, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है दोस्तों। स्क्रीन वाले करेंगे और यहाँ से इसको खींच के इसको बड़ा करना है दोस्तों, और यहाँ से इसको इस जगह ला के आप छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। फिर से आपको दोस्तों लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ से इस तरह का एक PNG होगा दोस्तों, उसको आपको ले लेना है दोस्तों। यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसकी लेंथ को भी मतलब आपको वीडियो के एंड तक कर लेना, 25 सेकंड का है दोस्तों, इसको भी खींच के आपको बड़ा करना है दोस्तों। यहाँ से ट्रिम स्लिप राइट कर देना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर वाले पे जाना है दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे करना है ताकि ये ब्लैक वाला पार्ट है वो दिखे ना, इस तरह से यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है, ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों फिर से आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और यहाँ से एक गाने का PNG है दोस्तों, इसको आपको क्लिक कर लेना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से स्क्रीन कर देना है, देखा जाना है जी, इस तरह से आ रहा है दोस्तों। यहाँ से इसको थोड़ा अपने हिसाब से जितना आप चाहो दोस्तों इतना आप कर सकते हो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों।
और यहाँ से आपको इस आइकन पे जाके इसको वीडियो को सेव कर लेना है। आप जितनी क्वालिटी में चाहें दोस्तों सेव कर सकते हैं, सेव टू सेव एज वीडियो। तो देखिए दोस्तों अपना वीडियो सेव होने वाला ही है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलते हैं, नई नई वीडियो लेकर आने का हौसला मिलता है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।